तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मुद्दा यही है कि एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का इतिहास रहा है कि जब भी कोई डिसीजन सुनाया है, चाहे आंसर की से रिलेटेड हो या सिलेबस से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, जब भी कोई डिसीजन सुना है, छात्रों का जीवन उथल पुथल हुआ है, उसमें एक आप भी शामिल हो। और अभी यही हुआ है, क्या हुआ है, सिलेबस चेंज हो चुका है। तो जैसे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम है, उसमें पहले क्या होता था, प्री, मेंस और इंटरव्यू, अब भी वही होगा, बस पैटर्न चेंज हुआ है। और पैटर्न के साथ साथ कुछ चीज़ें चेंज हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ है। तो बात करें प्री की, तो प्री में सबसे बड़ा मुद्दा ये आएगा आपके माइंड में, एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये कि माइनस मार्किंग आई है या नहीं। तो माइनस मार्किंग नहीं है, तो हुआ क्या है, कुछ भी नहीं हुआ, जो था एज इट इज़ वो का वही है, सिलेबस में चेंज हुआ है, यूनिट जो है उनमें चेंज हुआ है। हाँ, लेकिन नंबरिंग वही है, 2 घंटे का पेपर पहला होगा, दूसरा भी 2 घंटे का, पहला जो है वो 200 अंक का, दूसरा भी 200 अंक का होगा, ठीक है। हाँ, वही बात कि दूसरे अंक में आपको जो 40% और 33% लाने रहते कैटेगरी के हिसाब से, वही लाने रहेंगे। तो प्री का कुल मिला के मैटर वही है, सिलेबस कुछ चेंज हुआ है तो वो भी मैं बता दूंगा वीडियो में, टेंशन मत लो। इसके बाद बात करते हैं मेंस में, तो मेंस में क्या चेंज हुआ है, तो इधर फटाफट फुर्ती से, मेंस में आपके कितने पेपर होंगे भैया, तो यहां पे 5-6 पेपर होंगे, किसमें, मेंस में। टोटल मेंस कितने नंबर का होगा, तो 1500 नंबर का होगा, पहले कितने का होता था, 1400 नंबर का होता था, अब 1500 का होगा, ठीक है। अब 1500 का होगा तो उसमें कौन कौन से पेपर और कैसा सिस्टम रहेगा वो बता दो, तो इधर आओ, जो है सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, मतलब पहला, उसमें क्या रहेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी, पहले भी था कोई दिक्कत नहीं, 150-150 अंक का रहेगा, 3 घंटे का पेपर होगा, और आपका जो मीडियम है, हिंदी माध्यम हो अंग्रेजी माध्यम हो, उसमें आपको पेपर देना है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूँ जो बिगनर स्टूडेंट है उनको, कि आपका चाहे अंग्रेजी माध्यम हो या हिंदी माध्यम हो, आपको 2 पेपर, ये लास्ट वाले, एक तो सामान्य हिंदी वाला और एक निबंध वाला, ये हिंदी में ही देना है, ठीक है। तो हिंदी भी पढ़ लेना ठीक ठाक तरीके से, आगे बात समझ में। उसके बाद बात करते हैं अपने सेकंड पेपर की, तो इसमें आता है आपका पॉलिटी और समाजशास्त्र, ये 2 आते हैं, 150-150 नंबर का आएंगे, और कितने, 3 घंटे का समय मिलेगा, अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में आप दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आता है आपका तीसरा पेपर, तो पहले आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक अपना अलग था, और थर्ड पेपर जो था उसमें पूरा क्या था, सिर्फ साइंस ही था, ये मान के चलिए आप। अब क्या हुआ है, ये विज्ञान तकनीकी एवं जनस्वास्थ्य, ये तो है, इसके साथ में इकोनॉमिक आ चुका है, क्लियर। तो ये 150 नंबर का पार्ट, ये 150 नंबर का पार्ट, 3 घंटे, और हिंदी और अंग्रेजी किसी भी माध्यम में आप दे सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं भैया सामान्य अध्ययन चतुर्थ, मतलब चौथा पेपर, चौथे पेपर में क्या हो जाएगा, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, एमकेएस स्टडी, ये सारी चीज़ें रहेंगी खंडा में। और खंडा में बात करें तो उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी, मतलब केस स्टडी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो ये भी 150, ये भी 150, 3 घंटे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दे सकते हैं आप। उसके बाद में बात करते हैं अपन पांचवें पेपर की, तो सामान्य हिंदी व्याकरण, जो कि 200 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा आपका, और हिंदी में ही देना है, सबको हिंदी में ही देना है। उसके बाद में आता है छठा पेपर, तो हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन, 100 नंबर का रहेगा, और ये आपको मिलेंगे कितने, 2.5 घंटे, हिंदी में ही देना है सबको, बिल्कुल लाइन से हिंदी में देना। तो कुल मिला के 1500 नंबर। अब जो बिगनर लोग हैं उनको मैं बता दूं कि आपके प्री के नंबर कोई मायने नहीं रखते, प्री आपको सिर्फ निकालना है ताकि आप मेंस दे पाओ। एक्चुअल में जो आप अधिकारी बनते हो ना, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा देखे, उसमें आप 27 तरह के अधिकारी बनते हो, ठीक है। उसमें से आपको 2-3 के नाम पता है, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, क्योंकि छोटे मोटे अधिकारी अपने को दिखते नहीं, अपने सपने ऐसे आसमान छूते हैं, ठीक है। तो आपको क्या दिखता है, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, लेकिन उसके अलावा उन सबको मिला के 27 तरह के अधिकारी आप बन जाते हो आपके नंबर के हिसाब से। तो अब मान लो कि आपका ये 1500 नंबर का मेंस हुआ, ठीक है, और इंटरव्यू कितने नंबर का हुआ, 185 नंबर का, पहले कम का होता था, अब 185 नंबर का होता है इंटरव्यू। तो कुल मिला के 1685 नंबर में से जिनके सबसे ज्यादा आएंगे, उस हिसाब से आपको हायरार्की के हिसाब से क्या मिलेगी, पोस्ट मिलेगी। मान लो सबसे अच्छा टोपी कर दिया तो डिप्टी कलेक्टर, मान लो कि उसके बाद में आपकी डिप्टी कलेक्टर की मान लो 24 पोस्ट थी, और 24 लोग ऊपर वाले आ गए जिनके अच्छे नंबर थे, अब आप आए 25 रुपये और आप फिजिकल रूप से फिट हो, तो आपको डीएसपी का पोस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से वो पूरा सिस्टम चलता है, धीरे 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 नीचे आते जाते हो। अब बात कर लेते हैं अपन भैया, ये जो पेपर हैं, मान लो ये पहला पेपर है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा और छठा पेपर है, तो इनमें क्वेश्चन का क्या सिस्टम, मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, वो चीज़ें, तो वो भी मैं बेसिक बता देता हूँ। यहाँ पे मैं पूरा पैटर्न बता रहा हूँ एक तरीके से आपको, ठीक है। सिलेबस एक्चुअल में दूसरे वीडियो में बताऊंगा, सब एक वीडियो में बता दूंगा तो वीडियो थोड़ा ना पिक्चर बन जाएगी, पिक्चर अपने को बनाना नहीं है, ठीक है। बाकी हाँ, इतने सक्षम तुम भी हो कि पढ़ सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इधर आओ फटाफट फुर्ती से, तो बात करते हैं पहले पेपर की, सामान्य अध्ययन। पहला पेपर किसका होगा अपना, ये देखो यहाँ पे लिखा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। तो इसमें क्या है भैया, इसमें 3 तरह के प्रश्न आते हैं, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी, ठीक है। तो इसमें अति लघुत्तरी जो आएंगे कितने प्रश्न आएंगे, 15 प्रश्न आएंगे। तो ये है यहाँ पे अंक प्रति प्रश्न, मतलब एक अंक, एक प्रश्न जो है वो आपका कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा। तो टोटल कितने हो गया यहाँ पे, 30 पूर्णांक। अब इनकी लिमिट कितनी है, तो अब एक जो प्रश्न उसमें आप कितने शब्द लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा अधिकतम शब्द संख्या प्रति प्रश्न 20। तो अति लघुत्तरी उसमें आप 20 शब्द लिख सकते हैं, जो आपके टोटल 30 नंबर के आएंगे। ऐसे आपके लघुत्तरी प्रश्न आएंगे वो 70 नंबर के आएंगे, और ऐसे आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न आएंगे कितने के, 50 नंबर के आएंगे। तो टोटल किधर गया, हाँ ये,
तो टोटल 150 अंक हो जाएंगे आपके, ठीक है। और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रेंद्र भैया, हाँ ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, शब्द सीमा है, ठीक है। इतने शब्द सीमा आपको लिखनी है। मान लो कि दीर्घोत्तरी प्रश्न है, तो दीर्घोत्तरी प्रश्न में आपको 200 शब्द लिखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते आप। उससे ज़्यादा लिखोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो इधर यहाँ पे आता है क्या, 16 प्रश्न। अति लघुत्तरी कितने आएंगे, इधर देखो एक चीज़ एड हुई है, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, और यहाँ पे आती केस स्टडी। केस स्टडी एक पार्ट एड है यहाँ पे, किसमें, सेकंड पेपर में। तो देखो अति लघुत्तरी के 16 प्रश्न आएंगे, ठीक है, और वही 16 के कितने मिलेंगे, 2 अंक, तो 32 नंबर। ऐसे ही सबके नंबर अगर आप जोड़ोगे तो 150 नंबर यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। अगर आप यहाँ पे केस स्टडी देखोगे तो एक ही आएगी, ठीक है, और उसमें आपको यथा निर्देशित अधिकतम शब्द सीमा, मतलब ये यथा निर्देशित का मतलब समझ लो, केस स्टडी देगा वहीं पे वो लिख के देगा, इतने शब्दों में लगभग आपको लिखना है, क्लियर। अब यहाँ के अंक की बात करें तो एक केस स्टडी आपकी 18 नंबर की आएगी, ठीक है, 18 नंबर की, ऐसे करके आपके 150 नंबर हो जाएंगे टोटल। तो मोटा मोटा समझ लो आप यहाँ पे, बाकी एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके, अगर वाकई में पढ़ने वाले विद्यार्थी हो तो पीडीएफ डाउनलोड करके सिलेबस को इत्मीनान से देख लेना। ऐसा खामरू डुमरू वाला काम मत करना कि बस एक वीडियो देख लिया और हो गया काम। ये बहुत बेसिक बता रहा हूँ मैं, ताकि आपको हाँ थोड़ा सा एक हेल्प मिल जाए। बाकी इसको डाउनलोड करके व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेना, पढ़े लिखे होने का सबूत दिया करो। आयोग कुछ दे तो उसको डाउनलोड करके, नोटिफिकेशन भी आए तो उसको डाउनलोड कर लो, सिलेबस आया तो डाउनलोड करके व्यवस्थित तरीके से पढ़ो तो काम होगा। तुम सोचो कि एक वीडियो देख लो और हम ब्रह्मास्मि, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बात करते हैं अपन यहाँ पे अपने छठा प्रश्न पत्र, जिसके बाद हिंदी प्रारूप लेखन केवल हिंदी माध्यम में ही होगा। तो देखो यहाँ पे प्रथम निबंध, जिसके बाद द्वितीय, और यहाँ पे प्रारूप लेखन, और यहाँ प्रतिवेदन। तो देखो एक 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 सभी एक एक आएंगे, नंबर कितने हैं, तो 50 का, ये 20 का, ये 15 का, ये 15 का, ऐसे करके 100 नंबर हो जाएंगे। ढाई घंटे का समय मिलेगा, इस तरीके से आपका पूरा पेपर होगा। तो कुल मिला के आपका जो मेंस है इस तरीके से कितने का हो जाएगा, 1500 नंबर का पूरा मेंस हो जाएगा। अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो अभी अभी चेंज हुआ है इसके अकॉर्डिंग, और ये सिलेबस लगभग अब बहुत सारे लोगों के मन में आता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लास्ट ईयर में कि अब सिलेबस कब चेंज होगा, तो लगभग ये मान के चलो 3-4 साल तो नहीं होना चाहिए, उम्मीद है कि 3-4 साल नहीं होगा, उसके बाद हो जाए एक अलग बात है। अब मैं कमिटमेंट कर दूं कि हाँ नहीं होगा और आयोग कर दे तो भैया फिर मैं क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तो अब आपके जो 1685 नंबर है इसमें से जिनके सबसे ज़्यादा आएंगे उस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होता है, उस हिसाब से पोस्ट मिलेगी। हाँ रही बात ये नए पैटर्न के हिसाब से, तो अभी देखो अभी जितनी भी कोचिंग है ना सब डामाडोल स्थिति होगी, क्यों, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है और सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग चेंज हुई है, तो अब जितनी बुक है ये सब मार्केट में आने में टाइम लगेगा। फिर भी मैं आपको, अगर लगता है आपको कि यार हमको कुछ अच्छा बता दो, तो मैंने आपको जो एनजीओ बताया था ना, एनजीओ आपको मैंने एक वीडियो में बताया था, मैं लिंक दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे इस पैटर्न के हिसाब से काफ़ी टाइम पहले से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये आभास सबको था कि सिलेबस चेंज हो, बट उस पर काम किसी ने नहीं किया था, एनजीओ ने पहले से काम करके रखा है। तो आप अगर चाहो तो वहाँ पे देख सकते हो वीडियो और वहाँ पे विजिट कर सकते। बाकी रही बात सिलेबस की, तो मैं इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके क्लिक करके डाउनलोड करके इत्मीनान से पढ़ लेना। बाकी इतना वीडियो को देखा, इतना झेल लिया, इसके लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।